द अल्टीमेट इंडियन में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। तो दोस्तों, भारत सरकार एक बहुत ही अहम स्कीम लेके आई है जिसका नाम है अग्निपथ स्कीम। जी हाँ दोस्तों, इंडियन आर्मी का फ्यूचर ये स्कीम हमेशा के लिए बदल सकती है। अच्छा या बुरा वो हम डिस्कस करेंगे। अग्निपथ स्कीम के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, बेनिफिट्स, ड्रॉबैक्स, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कोई चीज आती है उसमें कुछ अच्छाई होती है तो कुछ बुराई भी होती है। ऑपोजिशन बुराई गिनाती है और जो जो ये स्कीम लॉन्च करती है भारत सरकार, वो इसकी अच्छाई गिनाती है। तो हम दोनों ही चीज देखेंगे, उसके बाद आप फैसला करना क्या सही है क्या गलत है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये अग्निपथ स्कीम है क्या। तो दोस्तों, इस स्कीम के अंडर हर साल 45,000 से 50,000 सोल्जर्स इंडियन आर्मी में रिक्रूट किए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, रिक्रूट किए जाएंगे 50,000 सोल्जर। पर दोस्तों, ये जो 50,000 सोल्जर एनुअली हर साल है, उसमें से खाली 25% सोल्जर ही परमानेंट होंगे, बाकी 75% 4 साल बाद निकाल दिए जाएंगे। ये जो 4 साल के लिए आर्मी पर्सनल रिक्रूट किए जाएंगे, उसमें से पहले 6 महीने ट्रेनिंग होगी, फिर 3.5 साल जॉब होगा। 4 साल के बाद देखा जाएगा कि जो टॉप 25% है उनको अगले 15 साल के लिए रखा जाएगा और बाकी 75% को निकाल दिया जाएगा। दोस्तों, जो 17.5 साल से लेके 21 साल तक के जो लड़के और लड़कियां है वो इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं, उनको अग्निवीर कहा जाएगा अगर वो सिलेक्ट होते हैं। तो प्रोसेस बिल्कुल सेम है, पहले जैसा ही है, जैसे पहले रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता था अभी भी वैसा ही है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं लाया गया है, बस नाम चेंज हो गया है। ये जो स्कीम है इसको अग्निपथ बोला जा रहा है और जो सोल्जर सिलेक्ट हो रहे हैं उनको अग्निवीर बोला जा रहा है, जो 4 साल के लिए, कम से कम 4 साल के लिए सिलेक्ट होंगे ही, पर उसके बाद 75% को छटाई कर दिया जाएगा। अब दोस्तों समझते हैं कि इसके पे बेनिफिट्स क्या होंगे, क्या मिलेगा अग्निवीर को। सबसे पहले जान लेते हैं कि पहले साल उनको 30,000 रुपये मिलेंगे, 30,000 रुपये इन हैंड नहीं मिलेंगे, 70% पैसा इन हैंड मिलेगा, 30% सेवा निधि में कंट्रीब्यूट होगा, वो उन्हीं का पैसा होगा। जैसे कि पीएफ होता है, आप अगर आप प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी में काम करते हो तो आपका पीएफ कटता है हर महीने, तो यहाँ पे सेवा निधि कटेगा 30%। जितना आपके सैलरी से जितना पैसा कटेगा उतना ही पैसा सरकार भी उसमें डालेगी। मान लीजिए फर्स्ट ईयर आपकी सैलरी है 30,000, उसमें से 21,000 आपको इन हैंड मिलेगा, 9,000 सेवा निधि में जाएगा, तो 9,000, इतना ही 9,000 गवर्नमेंट भी डालेगी, यानी आपके सेवा निधि में हर महीने 18,000 रुपये जमा हो रहे हैं। अगर दूसरे साल में आपकी सैलरी 33,000 होगी, तीसरे साल में 36,500 होगी और चौथे साल में 40,000 रुपये आपकी सैलरी होगी, जिसमें 28,000 आपको इन हैंड मिलेगा, 12,000 सेवा निधि में जाएगा। तो 4 साल के बाद आप अगर 75% में होते हैं, आपको निकाल दिया जाता है, तो आपको 11,71,000 रुपये सेवा निधि पैकेज के थ्रू आपको मिलेगा आपके फ्यूचर के लिए। तो दोस्तों, आपने पे का बेसिक समझ लिया, कितना पैसा क्या मिलेगा। इसके बाद जितने भी सोल्जर्स है उनको 4 साल के लिए 48 लाख का लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये 4 साल के दौरान आपको कहीं भी चोट लगती है, कुछ भी आपके साथ बीमारी होती है, दुर्घटना होता है, कुछ भी होता है, 48 लाख रुपए का आपका इंश्योरेंस रहेगा। इसके अलावा भगवान ना करे अगर किसी सोल्जर की डेथ हो जाती है नौकरी के दौरान, तो उनको 1 करोड़ रुपए का बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा 1 करोड़ रुपए के अलावा जितनी सैलरी उस सोल्जर की बची हुई थी वो भी मिल जाएगा, और जो बेनिफिट्स उसको मिलने वाले थे इन 4 सालों में वो सब मिलेगा, कुछ भी नहीं कटेगा, ये 4 साल में सब मिलेगा। तो ये तो रही फैसिलिटीज की बात। अब दोस्तों, इसका रिक्रूटमेंट कब स्टार्ट होगा। तो ये स्कीम अनाउंस होने के 90 डेज के अंदर इसकी रैली स्टार्ट होगी, ऑल ओवर इंडिया से सिलेक्ट किए जाएंगे बच्चे। और दोस्तों, सबसे खास बात इसमें है कि जैसे पहले रेजिमेंट के हिसाब से होता था, कास्ट के हिसाब से होता था कि कौन सा वॉरियर कास्ट है जो कि अंग्रेज बना के गए थे, उस हिसाब से अब रिक्रूटमेंट नहीं होगा, ऑल ओवर इंडिया में मेरिट के हिसाब से रिक्रूटमेंट होगा, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके बेनिफिट्स क्या पड़ेंगे आर्मी के लिए, इसके बेनिफिट्स क्या है, इम्पैक्ट क्या है। सबसे पहली बात जो सरकार बता रही है कि आर्मी की जो एवरेज एज है इस समय जो 32 साल है, वो 4 से 5 साल के अंदर घट के 26 साल हो जाएगी, यानी कि इंडिया की आर्मी यंग हो जाएगी, पहले से 32 साल से
26 साल की हो जाएगी। हालांकि दोस्तों ये बेनिफिट सरकार गिना रही है, पर ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, क्या अभी इंडिया इंडियन आर्मी की एज अगर 32 साल की है, क्या वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है? मेरे को ये समझ नहीं आया कि 32 साल से 26 साल, मानता हूँ यूथ हो जाएगा, पर दोस्तों क्या अभी 32 साल के जो सिपाही है हमारे आर्मी में, क्या वो जंग जिता नहीं रहे हैं? इंडिया इतने जंग जीती है पाकिस्तान से, हर जगह इंडिया जंग जीतती है। इंडिया की आर्मी वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल आर्मी मानी जाती है। क्या एज फैक्टर है अभी इंडियन आर्मी में, क्या कंसर्न है एज? खैर वो तो सरकार और प्रोफेशनल ज्यादा जानते हैं, मेरे दिल में एक क्वेश्चन उठा तो मैंने बताया। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स जो कि लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी है, उन्होंने कहा है कि ये जो है 40-50 हजार जो रिक्रूटमेंट होगा हर साल और 75 हजार निकाल दिए जाएंगे भले ही, पर आगे फ्यूचर रेडी सोल्जर्स हम लोग तैयार कर रहे हैं, कभी भी जब जंग में जरूरत होती है तो इन सोल्जर्स को हम बुला सकते हैं वापस कि आओ भाई तुम्हारे पास ट्रेनिंग है, आओ जंग के लिए तैयार हो जाओ। तो ये एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत ही अच्छा फैसला है। इसके बाद एक और बयान आया है आर्मी से ही, भारत सरकार से ही, कि जितनी आर्मी यूथफुल होगी तो नए नए टेक्नोलॉजी सीखने में उतना ज्यादा आसानी होगा। जितनी एवरेज एज इंडियन आर्मी की कम होगी तो नई टेक्नोलॉजी सीखने में उतना ज्यादा बेहतर होंगे वो, क्योंकि यूथ है, उनको टेक्नोलॉजी का पता है। और आजकल का जो वॉरफेयर होने वाला है आगे, वो साइबर वॉरफेयर, टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर होने वाला है, फुट वॉरफेयर बहुत कम होगा। तो उसके हिसाब से इंडियन आर्मी को तैयार किया जा रहा है कि ज्यादा यूथ को बढ़ावा मिले। इसके अलावा भारत सरकार का ये मानना है कि 4 साल में जो जॉब एक्सपीरियंस मिलेगा इन सोल्जर्स को, 4 साल के बाद इनके जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है इनके लिए बढ़ जाएगा, क्योंकि पुलिस वगैरह इन सब में इनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। इसके अलावा जनरल पुरी कहते हैं कि जो सोल्जर्स 75% में आएंगे उनको निकाल दिया जाएगा, उनको एक स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा और कुछ कोर्सेज भी उनको कराए जाएंगे, जो कि उनको, और इनको 11.5 लाख रुपए भी मिल रहे हैं 4 साल के बाद, तो इससे वो अपना कुछ बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं जिससे कि दूसरों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और ये तो खैर एम्प्लॉयड हो ही जाएंगे। अब दोस्तों जानते हैं ड्रॉबैक्स, इसके ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज जब तक इंप्लीमेंट नहीं होती, 5-6 साल नहीं होते, तब तक हम नहीं जान सकते कि इसके फायदे और नुकसान क्या है, पर हम अंदाजा लगा के चल रहे हैं कि ये हो सकता है। सबसे पहले कि जो सोल्जर 4 साल बाद निकाल दिए जाएंगे उनका फ्यूचर क्या होगा। मान लीजिए 17.5 साल से रिक्रूटमेंट स्टार्ट होगा, जिसकी ये 17.5 साल है, उसके 2 साल पहले से वो जो लड़का है वो फिजिकल की ट्रेनिंग करना स्टार्ट करता है, 15-16 साल से वो फिजिकल की ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है, तब जाके 17.5 साल में वो आर्मी में जाने के लायक होता है। तो 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, 4 साल बाद उसको निकाल दिया जाएगा, वो जब निकलेगा वो 22-23 साल का होगा, उसके बाद क्या करेगा वो, क्या कोर्स करेगा, क्या प्रोफेशनल एजुकेशन क्या होगी उसके पास कि वो कुछ और कर पाए? इससे बेहतर, जो मैं सुन रहा था कि यूथ कह रहे थे, इससे बेहतर है कि हम 3-4 साल कुछ कोर्स कर लेते हैं, इंजीनियरिंग वगैरह कर लेते हैं, ITR कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, कम से कम जॉब तो मिलेगा, एक स्किल तो होगा बेहतर। अभी हम 4 साल बाद निकाल दिए जाएंगे तो 23 साल की उम्र में हम क्या करेंगे, ये एक मेन कंसर्न, क्योंकि आर्मी में ज्यादातर मानो या ना मानो गाँव से ही लोग जाते हैं, तो वो जो बच्चे होते हैं उनको जल्दी कमाना स्टार्ट करना पड़ता है क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती। दूसरा ड्रॉबैक जो मुझे लगा है कि उनकी मेंटल स्टेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, भले ही नाम अग्निवीर दिया हो, बहुत ही प्रोत्साहित करने वाला नाम है, बहुत ही जोश भरने वाला नाम है, पर 4 साल बाद जब उनको निकाल दिया जाएगा और वो निकाल के अपने गांव जाएंगे तो सारे लोग यही बोलेंगे कि तेरे को तो निकाल दिया है आर्मी से, तू सिलेक्ट नहीं हो पाया, तू टॉप 25% में नहीं आ पाया, तू एक निष्कासित आर्मी पर्सन है, ये बोला जाएगा, आप मानो या ना मानो बोला जाएगा, कितनी भी इज्जत दो कुछ भी दो, पर गांव में एक ये मेंटल एक स्थिति बनती है कि कोई भी अगर 4 साल बाद आता है तो उसको माना जाएगा कि उसको निकाल दिया गया है। तो उस बंदे के जो निकाला हुआ बंदा है उसकी मेंटल स्टेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा जरूर। तीसरी चीज है कि एक आर्मी एक सोल्जर को बनने में
ये मैं नहीं कह रहा, ये आर्मी के एक्स आर्मी ऑफिसर्स का ही बयान है कि एक सोल्जर को बनने में 6 से 7 साल का वक्त लगता है। तो क्या 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद 3.5 साल की नौकरी करने लायक होगा कोई आर्मी पर्सनल जिसको कि आप बॉर्डर पे जंग में भेज सकते हो सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग के साथ? क्या इंडियन आर्मी, जो अपने प्रोफेशनल एटीट्यूड के लिए जानी जाती थी, अपने डिसिप्लिन के लिए जानी जाती है, अपने स्किल के लिए जानी जाती है, क्या 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद वो स्किल, वो डिसिप्लिन, वो चीज आ पाएगा उनमें? क्या इंडियन आर्मी की क्वालिटी खराब नहीं होगी? ये एक सोचने वाली बात है। इसके बाद चौथी चीज है कि मोस्ट ऑफ देम बिकेम प्राइवेट गार्ड्स, जैसे कि कोई जो 75% में आते हैं, इनको निकाल दिया गया है, निकाल दिया जाएगा, वो यहाँ पे आके प्राइवेट गार्ड्स की नौकरी ढूंढेंगे, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स में गार्ड्स बनेंगे। तो क्या कोई बचपन से सपना देखता हुआ आ रहा है कि मैं भारत की सरहद पे जाके लड़ूंगा, भारत के लिए अपनी जान दूंगा, क्या उसका सपना टूटेगा नहीं अगर वो एक प्राइवेट गार्ड बन के ही रह जाएगा? तो ये भी एक सोचने वाली बात है, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? वो बचपन से सोचता हुआ आ रहा है मैं इंडियन आर्मी में जाऊंगा, देश के लिए जान दूंगा, और वो एक प्राइवेट कंपनी का गार्ड है, तो ऑब्वियसली फर्क तो पड़ेगा। उसके बाद ऑब्वियसली बात है एजुकेशन लॉस, कि 4 साल बाद उसको निकाल दिया जाएगा, वो 23 साल का होगा, उसके बाद उसके पास एजुकेशन अपॉर्चुनिटी की कमी हो जाएगी क्योंकि कंपटीशन में वो पिछड़ जाएगा। जो लड़का एक 12th पास करके 18 18 साल में किसी बड़े कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में अच्छे अच्छा एजुकेशन ले रहा है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले रहा है कहीं भी, तो वो अपॉर्चुनिटी जो सोल्जर 4 साल बाद निकाल दिया गया है उसके पास 23 साल में आएगी, जो दूसरे बच्चों के पास 18 साल में आती है। उसके बाद एक और कंसर्न इसमें आता है कि मान लीजिए 22 23 साल की उम्र में उनको आर्मी से निकाल दिया गया, अग्निवीर नाम देके उनको बोला गया भैया चलो अब तुम्हारा काम खत्म हो गया, आप सिलेक्ट नहीं हुए हैं। तो उनके पास तो आर्मी की ट्रेनिंग है, उनको गन चलाना आता है, उनमें एक एग्रेसिवनेस भी है, डिसिप्लिन 6 महीने सिखाया जाएगा, पता नहीं उतना डिसिप्लिन आ पाएगा कि नहीं, पर जब वो नॉर्मल वर्ल्ड में आएंगे, मतलब आम लोगों के साथ जब वो घुलेंगे मिलेंगे, तो क्या वो आर्मी की ट्रेनिंग का क्या वो गलत इस्तेमाल नहीं हो सकता कभी? क्या उनमें जो वो खटास है, वो जो लड़ने का एग्रेसिवनेस जो उनके बॉडी में आ गया है कि भाई लड़ना है लड़ना है, क्या वो नॉर्मल लाइफ में इम्पैक्ट नहीं हो सकता? क्या वो दूसरों के लिए नुकसान नहीं हो सकता कभी कभार? मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मान लीजिए 1% भी अगर थोड़े गलत राह में चले जाते हैं, क्योंकि भाई गन वन चलाना तो आता ही उनको, फाइट करना तो आता ही उनको, और जंग के लिए ही उनको ट्रेन किया गया है, तो भाई वो गलत राह में भी जा सकते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी है। तो ये भी एक कंसर्न देखना पड़ेगा भारत सरकार को। अब देखते हैं भारत सरकार क्या फैसला करती है इस पे, सब चीज में बेनिफिट्स और लॉस होते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा भारत सरकार का ये भी कहना है कि इतनी ज्यादा सैलरीज और पेंशन्स के चक्कर में हम जो वेपन्स है वो मॉडर्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, इंडियन आर्मी को मॉडर्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर 52% जो डिफेंस बजट होता है वो सैलरी और पेंशन्स का ही होता है। तो इस स्कीम के थ्रू सैलरी और पेंशन्स कम हो जाएंगे और हम मॉडर्नाइजेशन पे ज्यादा फोकस कर पाएंगे, जो एक और सही कंसर्न है इंडियन आर्मी का मेरे हिसाब से, भारत सरकार का और इंडियन आर्मी का, कि मॉडर्नाइजेशन करना भी बहुत जरूरी है आर्मी का, क्योंकि अब आजकल मॉडर्न वॉरफेयर का जमाना है। तो देखते हैं, नुकसान नहीं होना चाहिए, बस जो हमारा यूथ है उसके ऊपर से एक और चीज लगती है कि मोदी जी ने बोला कि 10 लाख नौकरियां देंगे हम 5 सालों में, 5 6 सालों में, तो हो सकता है उसके लिए भी ये किया गया हो, देखते हैं। अब तो वो भारत सरकार और आर्मी को ही पता है। तो मैंने अपने प्रोज एंड कॉन्स रखे, आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। जय हिंद।